स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो आज हम लोग बात करेंगे बेल्टॉन के जितने भी कर्मी हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, IT बॉय, IT गर्ल्स, जितने भी कर्मी हैं वो अपना स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कैसे ट्रांसफ़र किया जाए। एक मेरे लेडीज सब्सक्राइबर है जो मुझे कमेंट की थी कि सर मैं अभी पंचायत विभाग में हूँ और मैं अपना ट्रांसफ़र LRC ब्लॉक होम डिस्ट्रिक्ट में कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो सभी बेल्टॉन वाले वीडियो पूरा ज़रूर देखना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे विभाग में। ठीक है, और कैसे आप लेटर लिख सकते हैं, फिर आपको ये लेटर लिखकर कहाँ देना है, ठीक है, कौन से पदाधिकारी के पास देना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो बेल्टॉन के पास आउट कैंडिडेट हैं वो कमेंट करने लगेंगे कि अभी हमारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो ट्रांसफ़र कैसे करूँ। उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग कभी भी भविष्य में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या चाहोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जिन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है वो सारे लोग बेल्टॉन से नफ़रत करने लगा है। ठीक है, और नफ़रत करना लाजमी है फ्रेंड्स, लेकिन इतना भी नहीं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद पास आउट कैंडिडेट हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेल्टॉन से परेशान होकर नफ़रत करने लगूं। एक चीज़ है, बेल्टॉन ज्वाइनिंग में डिले करती है क्योंकि उसके पास अधियाचना आएगी तब तो ज्वाइनिंग देगी आपको। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वेट कीजिए, सबका होगा, सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, हम लोग तो चलिए हम लोग अपना मेन टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की बेल्टॉन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कि किस तरह ट्रांसफ़र लेटर लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस तरह से लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे लेटर में क्या क्या मेंशन करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सेवा में, उसके बाद यहाँ पे अपना विभाग का नाम लिखना है जहाँ से आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं, जिस विभाग पे आप कार्यरत हैं उस विभाग के जिला पदाधिकारी का नाम लिखना है। ठीक है, उस विभाग का जो पदाधिकारी है उसका जो है यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जो भी विभाग का नाम है, उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं यहाँ पे किसान लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है विषय लिखना है आपको, विषय में क्या लिखना है, स्थानांतरण करने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद महाशय के बाद यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि मैं राजकुमार सिन्हा अपना नाम लिखना है, BKC नंबर यानी कि Employee ID लिखना है अपना। ठीक है, उसके बाद Employee ID सबके पास रहता है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे पहले से कार्यरत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है पंचायती राज विभाग जिला किशनगंज में अभी मैं कार्यरत हूँ। ठीक है, मेरा स्थायी पता है ग्राम अपना लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है और यहाँ पे जिला अपना लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है मैं निवासी हूँ। ठीक है, और मेरा कार्य पंचायत विभाग किशनगंज में दे दिया गया है। ठीक है, इस विभाग के कार्यालय में कार्य करने में मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, असमर्थ होने का कारण है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे अपना जो भी आपको कठिनाई हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, वहाँ पे आपके कार्यालय में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मेरे घर से कार्यालय लगभग 300 किलोमीटर दूर है, जिसके चलते मुझे आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानी और मानसिक रूप से थकावट होने के कारण और कार्यालय जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं कार्यालय में कार्य करने में असमर्थ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है,
तो उसके बाद यहाँ पे आपको उसके नीचे यहाँ पे लिखना है, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे गृह जिला में कहीं भी स्थानांतरण किया जाए जहाँ भी पंचायती राज विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद खाली है, ताकि मुझे इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद लिखना है, इसके लिए श्रीमान मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद आपका विभाजक नाम पता एड्रेस लिखना है, जिला ठीक है, उसके बाद बिहार लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लेटर टाइप करना है, और लेटर कहाँ देना है फ्रेंड्स, लेटर आपको जिस विभाग से आप हस्तांतरण कर रहे हैं उस विभाग के पदाधिकारी को देना है, ठीक है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आपका हस्तांतरण तभी होगा जब आपका गृह जिला में यानी कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आप हस्तांतरण करना चाहते हैं वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद और यहाँ पे पंचायत राज विभाग में होंगे तब। अब दूसरे विभाग में है तो अब दूसरे विभाग के पदाधिकारी को लेटर देना है, या तो आप पंचायत राज विभाग में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो उसी को लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे दो कंडीशन है आपको हस्तांतरण करने की, या तो आप पता करें अपना होम डिस्ट्रिक्ट में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद खाली है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक और भी कार्य कर सकते हैं, आप वहाँ पे पता करें कि वहाँ पे अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत है, वो अगर आपके कार्यालय जहाँ पे आप पहले कार्य यानी कि फ्रेंड्स आप जहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं वो डाटा एंट्री ऑपरेटर वहाँ जाने के लिए तैयार है, तभी आपका हस्तांतरण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन है जिसके थ्रू आप अपना हस्तांतरण कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं होम डिस्ट्रिक्ट में, अगर जो डाटा इंटरप्रेटर वहाँ पे कार्यरत है वो अपना हस्तांतरण करने के लिए तैयार है तो आपका हस्तांतरण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इस तरह से लेटर आपको यहाँ पे जो है अपने पदाधिकारी को लिख के देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेटर कुछ आगे बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ने निवेदन यहाँ जो है लिखा हुआ, इसके सामने सामने सारे वर्ड होने चाहिए, मेरे कुछ वर्ड आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।